वॉइस क्लियर आ रही बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने चैनल क्रिएट करने के बाद एक स्मॉल वीडियो अप्लाई किया। वो जो वीडियोस है वो समथिंग मिली वोल्ट के आसपास है, यहाँ पे हमने अज्यूम किया है भाई ये 50 मिली वोल्ट के आसपास है। ठीक, और एन चैनल के केस में ये वीडियोस पॉजिटिव होगा। और वहीं अगर हम पी चैनल की बात कर रहे हैं तो पी चैनल के केस में यही ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिव होता है। रीजन, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करना होता है, सॉरी हमें यहाँ पे होल्स को सोर्स से ड्रेन की तरफ अट्रैक्ट करना होता है। अगर होल्स को हमें सोर्स से ड्रेन भेजना है तो यहाँ पे ड्रेन साइड पे जो वोल्टेज होना चाहिए वो लेस देन होता सोर्स वोल्टेज से। ठीक है, अभी पी चैनल की जब बात करेंगे तब यह पी चैनल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें याद रखना है कि भाई जब एन चैनल की बात हो रही तो एन चैनल में हमें जो वोल्टेज लेना है यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज लेना है वो पॉजिटिव लेना है। और जब हमने स्मॉल वीडीएस अप्लाई किया, इस स्मॉल का मतलब क्या है, देखो जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है उसके कंपेरिजन में ये बहुत बहुत ज्यादा स्मॉल है। ये यहाँ 6 वोल्ट है और ये 15 × 10⁻³ वोल्ट है। ठीक है, तो मीनिंग इस वोल्टेज का जो ये हमने स्मॉल ड्रेन और सोर्स के बीच में जो स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया है, इसका जो और इफेक्ट आने चाहिए चैनल पे, वो चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं देगा। ये सिंपली केवल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और करंट फ्लो कराएगा। ठीक है, अभी जब नेक्स्ट टॉप पॉइंट पढ़ेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि अभी हमने स्मॉल वोल्टेज अप्लाई किया, फिर जब लार्ज करेंगे तो क्या होगा। ठीक, तो अब देखो जैसे जैसे हम ये VDS वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे होंगे वैसे वैसे हमारी करंट ID इंक्रीज कर रही होगी। तो एक पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारी ड्रेन करंट है वो प्रोपोर्शनल है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज से। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं कि देखो जब अगर तुम ये गेट टू सोर्स वोल्टेज जो लगाया इस वोल्टेज को अगर तुम इंक्रीज करो, अगर इस वोल्टेज को भी तुम इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। मीनिंग अगर हमने VGS को इंक्रीज किया तो चैनल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज होंगे, चैनल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए, दैट मींस क्या है कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है दैट मींस मोर करंट फ्लो, यानी ड्रेन करंट जो हमने बताई वो तुम्हारा गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट समझना, अभी तो हम ये कह रहे हैं कि गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाने पे ID इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो ID जो प्रोपोर्शनल है वो VGS माइनस VT के प्रोपोर्शनल है। देखो इस पॉइंट को समझना कि क्यों हमने कहा कि VGS माइनस VT के प्रोपोर्शनल है, क्यों हमने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि ID जो है वो VGS के प्रोपोर्शनल है। देखो जब हमने इनिशियली गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया तो ऐसा तो था नहीं कि जैसे ही तुमने वोल्टेज अप्लाई किया तुरंत यहाँ पे चैनल क्रिएट हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं था। तुमने वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज किया और जब ये गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर हुआ था तब यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल क्रिएट हुआ, तब यहाँ पे ID फ्लो हुई थी। तो जो ड्रेन करंट है उसका एग्जिस्टेंस ही तब है जब गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज के जस्ट बराबर आ जाए, तो उसकी प्रोपोर्शनलिटी भी तो तभी से शुरू होगी जब VGS को आप और ग्रेटर करेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तो उससे जितना ग्रेटर है उसी के हिसाब से हम प्रोपोर्शनलिटी की बात करेंगे। जैसे अगर हम इस कहें कि अगर हमारा जो ये MOSFET है इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 वोल्ट, ठीक, तो हमने मान लो गेट टू सोर्स वोल्टेज पहले प्लस 0.5 वोल्ट दिया,
तो क्या यहाँ पे कोई करंट फ्लो होगी आईडी? नहीं। तो जब आईडी फ्लो ही नहीं हो रही है तो उसकी वीजीएस से प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ही नहीं है। देन वीजीएस को हमने 1.5 कर दिया, स्टिल कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज हुआ नहीं है, राइट। तो अभी भी यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो। और जब हम VGS is equal to 2.5 volt, आपकी आवाज बहुत ब्रेक। हाँ बेटा, हेलो सर, आपकी आवाज बहुत कट कट रही है। अभी वॉइस बेटा ठीक है? तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि देखो, जब गेट टू सोर्स वोल्टेज 2 वोल्ट से कितना ज्यादा है, बेसिकली ड्रेन करंट उस पर डिपेंड कर रही है। गेट टू सोर्स वोल्टेज 2 वोल्ट से जितना ज्यादा है, ड्रेन करंट उस गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि आईडी जो है वो वीजीएस माइनस वीटी के प्रोपोर्शनल। आईडी जो है यहाँ पे वो वीजीएस माइनस वीटी के प्रोपोर्शनल। और इस वीजीएस माइनस वीटी को हम बेसिकली बोलते हैं इफेक्टिव वोल्टेज। इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव वोल्टेज या ओवरड्राइव। ठीक है, ये टर्म याद रखेंगे, ये इसको क्या बोलते हैं, ओवरड्राइव वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन भी क्लियर होगी। अभी ये टर्म याद रखेंगे कि VGS माइनस VT इज इक्वल टू क्या होता है, ओवरड्राइव वोल्टेज। तो ये तो बात हमारी हो गई कि भाई आपने जब आपने स्मॉल VDS अप्लाई किया तो हमारी जो ड्रेन करंट है वो VDS के प्रोपोर्शनल आ रही है। जैसे जैसे आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, या दूसरा पॉइंट इस ओवरड्राइव वोल्टेज के प्रोपोर्शनल आ रही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है इसको और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग VDS। नाउ इसका मतलब क्या है, अब जो हमारा जो नया VDS होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, मतलब इसी जो 6 वोल्ट है इसी के आसपास का VDS हम इसको दे रहे हैं। लेट्स से हमने जो VDS दिया है वो 5 वोल्ट VDS दिया है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वो हमने लेट्स से 5 वोल्ट दिया। तो अब इस चैनल में क्या चेंजेस आएंगे उसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक बेसिक और समझ। देखो लेट्स से हमारे पास एक ये रजिस्टर, हमें पता है कि रजिस्टर जो है एक लीनियर डिवाइस, V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो करती है। अगर किसी तरह से बाय यूजिंग अ बैटरी या हो सकता है ये रजिस्टर किसी सर्किट में कनेक्टेड हो, किसी तरीके से इसका जो एक टर्मिनल है VA ये 0 वोल्ट पे है और दूसरा वोल्टेज जो है VB वो लेट्स से 5 वोल्ट। ठीक,
मे बी हो सकता है इसमें से यहाँ पे एक 5 वोल्ट की बैटरी हो सकता है लगी है, ठीक। ये रजिस्टर है, ठीक। अब रजिस्टर का बेसिकली काम हो सकता है ये इधर ऐसे ग्राउंड में लगाओ, तो इसलिए से यहाँ पे 0 वोल्ट है, इधर 5 वोल्ट है। इस रजिस्टर का काम क्या है कि भाई जो भी आपने इसके अक्रॉस जब करंट फ्लो होगी तो ये वोल्टेज को ड्रॉप करे, और ये वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो करंट से लीनियरली रिलेटेड, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो होगी आई, ठीक। तो इनिशियली इस टर्मिनल पे 5 वोल्ट था, ठीक। फिर धीरे 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 डिक्रीज होते होते यहाँ पे 0 वोल्ट हो गया। अब ये जो डिक्रीमेंट हुआ है ये एब्रप्ट नहीं होगा, मतलब ये अचानक से नहीं हुआ होगा कि इस टर्मिनल पे 0 है और इस टर्मिनल पे सीधा सॉरी इस टर्मिनल पे 5 वोल्ट है और इधर सीधा 0 वोल्ट हो गया, ऐसा नहीं हो गया। यहाँ पे जो ये वोल्टेज है वो लीनियरली धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, मीनिंग 5 से 4 वोल्ट हुआ, 3.5 वोल्ट हुआ, 3 वोल्ट हुआ, 2 वोल्ट हुआ, 1 वोल्ट हुआ, 0.5, धीरे 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 लीनियरली ये करंट क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। ये पॉइंट सबको क्लियर अगर यस सर, ये पॉइंट अगर समझ में आता है तो यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा ये चैनल एरिया है इस ये चैनल एरिया भी सेमीकंडक्टर का बना है, इसकी भी अपनी एक रेजिस्टिविटी हो है ना, इसकी भी अपनी एक रेजिस्टिविटी हो कि मीनिंग ये भी एज अ रेजिस्टर काम कर सकता है। तो अगर उस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करें करो कि यहाँ पे हमने जो 5 वोल्ट दिए, ठीक, ड्रेन साइड पे हमने प्लस 5 वोल्ट दिए और यहाँ पे ये 0 वोल्ट है, ठीक। तो हुआ क्या होगा कि इस ड्रेन वाला जो टर्मिनल है इस पे लेट से यहाँ पे कहीं पे 5 वोल्ट रहा होगा, फिर चैनल में आते इसकी रेजिस्टिविटी की वजह से धीरे धीरे वोल्टेज डिक्रीज होने लगा होगा। जैसे ये डी पॉइंट है जहाँ पे 4 वोल्ट हुआ, सी पॉइंट है जहाँ पे 3 वोल्ट हुआ, फिर बी पॉइंट है जहाँ पे 2.5 वोल्ट हुआ, ए पॉइंट है जहाँ पे 1 वोल्ट हुआ और फिर यहाँ पे 0 वोल्ट। इस तरीके से चैनल में धीरे 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 लीनियरली ये वोल्टेज डिक्रीज कर रहा, ड्रेन से सोर्स की तरफ जब बढ़ोगे तब क्या होगा ये वोल्टेज डिक्रीज करता हुआ लीनियरली दिखेगा, और इसी तरह से सोर्स से ड्रेन की तरफ जब बढ़ोगे तो ये वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। अब एक पॉइंट और ध्यान करते हैं कि भाई देखो जो ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जब तुम बैटरी लगाते हो तो ये बैटरी लगाने के बाद मतलब 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो ये चार्ज करना स्टार्ट होता है, इसके अक्रॉस यहाँ पे ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है इधर नेगेटिव चार्ज, और ये जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल होता है इस पोटेंशियल के, जो 5 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है इसके प्रोपोर्शनल होता है, मीनिंग जितना ज्यादा बैटरी का आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे ठीक उतना ही यहाँ पे चार्ज इंक्रीज करता है, राइट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिकली ये जो 5 वोल्ट है ये क्या है, इस प्लेट का जो दो पैरेलल प्लेट लगी है इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस है, मे बी हो सकता है ये 2.5 पे हो और ये वाली -2.5, ठीक है। तो दोनों पैरेलल प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बेसिकली यहाँ पे लिखा और उसी पे चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है वो इंड्यूस चार्ज उसी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। पॉइंट ये है, कॉन्सेप्ट ये कि भाई जो कैपेसिटर है कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज बेसिकली उन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके उसके प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा चार्ज डेवलप होगा। अब इसी पॉइंट के साथ
अगर यहाँ पे देखो जब ए पॉइंट पे आए यहाँ दो जब हम मॉस्फेट को एज अ कैपेसिटर देखते हैं तो मीनिंग गेट साइड पे ये एक मेटल लगा हुआ है, दूसरी साइड पे ये एक सेमीकंडक्टर रखा है, बीच में SiO2 के लेयर लगी, ठीक है, बीच में ये इंसुलेटर है और दो साइड पे कंडक्टिंग प्लेट्स लगी। तो अगर अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है इसके अक्रॉस अगर हम ये देखना चाहें कि चार्ज कैसे इंड्यूस्ड होगा, तो वो चार्ज इंडक्शन बेसिकली डिपेंड करेगा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपने अप्लाई किए। तो अब क्योंकि यहाँ पे हमने मेटल लगा रखा है ये गेट साइड पे, तो इस टर्मिनल पे देखो चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ 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 मतलब पूरे मेटल पे 6 वोल्ट दिखाई दे रहा है, पूरे मेटल पे ऐसे 6 वोल्ट दिखाई दे रहा है। बट नीचे वाली जो प्लेट है उसमें हर जैसे जैसे आप सोर्स से ड्रेन की तरफ बढ़ रहे हो वोल्टेज चेंज हो रहा है, सोर्स से ड्रेन की तरफ जब तुम बढ़ रहे हो तो तुम्हारा जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है। ए पॉइंट पे अगर हम दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो कितना होगा 6-1 यानी 5 वोल्ट, बी पॉइंट पे देखें तो 6-2.5। मतलब जब हम सोर्स से ड्रेन की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली इंड्यूस करा रहा था चार्ज को वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिक्रीज। तो ए पॉइंट पे जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा है वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंड्यूस्ड हुए होंगे यहां पे मतलब नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस हुआ होगा वो सबसे ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज जो यहां पे इंड्यूस्ड हुआ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और इधर ड्रेन साइड पे यानी डी पॉइंट पे जहां पे तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम है 2 वोल्ट का ही, तो वहां पे तुम्हारा सबसे कम चार्ज इंड्यूस्ड हुआ हुआ, मीनिंग अभी तक जो हम देख रहे थे कि हमारा चैनल पूरी तरह से यूनिफॉर्म था, मीनिंग उसके चाहे आप यहां देखिए कहीं पर किसी भी पॉइंट पे चैनल के देखिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो सेम रह रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब सोर्स की साइड पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पर यूनिट वॉल्यूम वो ज्यादा है, और इधर ड्रेन साइड पे पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पर यूनिट वॉल्यूम में वो कम है। तो अब चैनल जो पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था अब वो ऐसे टेपर्ड शेप में, वो ऐसे टेपर्ड शेप में, ठीक है, वो ऐसे टेपर्ड शेप में। अब अगर यहां साइड पे मतलब ड्रेन साइड पे वोल्टेज को और इंक्रीज करो, मीनिंग अभी तक 5 वोल्ट दिया था, लेस से हमने 7 वोल्ट दिया, ठीक है, या हो सकता है यहाँ पे 6 वोल्ट दिया, ठीक। तो अब जब यहाँ पे अभी हम 7 वोल्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक, जब हमने यहाँ पे वोल्टेज को ऐसे इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया होगा कि इस टर्मिनल पे यहाँ पे जो ये डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो मेरा ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए इस गेट टू सोर्स वोल्टेज के, यानी इस डी पॉइंट का वोल्टेज और इस गेट टर्मिनल का वोल्टेज, ये दोनों अगर इक्वल टू हो जाए, दोनों अगर बराबर हो जाए, मीनिंग अगर यहाँ पे भी 6 वोल्ट हो जाए डी पे, ये 6 वोल्ट हो जाए, तो मीनिंग यहाँ पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और क्या 0 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे यहाँ पे चैनल क्रिएटेड रहेगा? तो नहीं, यहाँ पे कोई भी चैनल क्रिएटेड नहीं रहेगा। यानी ये कहें कि V G D
गेट और ड्रेन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो मीनिंग चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा केवल इतने एरिया में, ठीक है? या इसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई करें तो देखो, चैनल का क्रिएशन तब खत्म हो जाएगा जब इस गेट और इस ड्रेन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो जाए। हमें पता है कि यहाँ पे अगर हमें चैनल चाहिए तो मीनिंग एक पॉजिटिव वोल्टेज होना चाहिए दोनों प्लेट्स के बीच में, जो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव है, वो कम से कम थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए तभी यहाँ पे चैनल क्रिएट हो। देखो जब हम इस थर्ड वाले पॉइंट की बात कर रहे थे तब तुम्हारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इतना कम था कि उसने कोई भी अफेक्ट नहीं किया, लेकिन यहां पे जब हमने ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाया तब वो क्या इफेक्ट कर रहा है कि वो तुम्हारे चैनल को ही ड्रेन एरिया से हटा दे रहा है या खत्म कर दे रहा है। अगर हम ये कहें कि बीजीडी अगर इक्वल टू वीटी है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर है, तब तो चैनल रहेगा, तो चैनल एग्जिस्ट करे। और अगर ये इससे लेस देन हो गया, अगर ये चैनल जो बीजीडी है वो लेस देन हो गया थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तो क्या होगा? कोई भी चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा? नो चैनल विल बी एग्जिस्टिंग। कहां पे? इस ड्रेन रीजन। इतना डिस्कशन सभी को समझ में आया? यस सर। अब अगर हम एक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने की कोशिश करें, मीनिंग एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें आईडी और वीडीएस के बीच में, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक, तो इनिशियली जब तुम्हारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज काफी कम था तो तुम्हारी जो करंट आईडी थी, ID is proportional to VDS हमने बताया, यानी ID और VDS के बीच में linear relation है, that means ये graph ऐसे linearly increase करेगा। कब तक? जब तक तुम्हारा drain to source voltage एक small voltage है। तब तक तुम्हारा ये drain to source voltage है small voltage। ठीक। Further जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे तुम्हारे चैनल की टैपरिंग होना स्टार्ट होगी, तुम्हारा जो ये रिलेशन है वो नॉन लीनियर होता जाएगा, और एक वोल्टेज ऐसा आएगा जब ये गेट टू ड्रेन वोल्टेज एग्जैक्टली इक्वल टू होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज की, ठीक है? और इस पॉइंट के मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू से जब वीजीडी तुम्हारा जस्ट इक्वल टू हो वीटी माइनस के, मतलब इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जस्ट वीजी जस्ट पहले, इस जब ये गेट टू ड्रेन की का वोल्टेज जैसे ये वीटी तुम्हारा 0.5 वोल्ट है अगर वीटी, ठीक, तो जैसे ही गेट टू ड्रेन की वोल्टेज 4.9 होगी, जब तुम्हारी गेट टू ड्रेन की वोल्टेज 4.9 होगा उस टाइम पे तुम्हारा जो चैनल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीनिंग जैसे ही गेट टू ड्रेन वोल्टेज जस्ट लेस देन हुआ थ्रेशोल्ड वोल्टेज तुम्हारा चैनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उस टाइम पे जब यहाँ पे इस एरिया चैनल एग्जिस्ट नहीं कर, उस टाइम पे बेसिकली होगा क्या कि ये जो ड्रेन करंट तुम्हारी फ्लो हो रही थी साइड से, इधर साइड से ड्रेन करंट जो फ्लो हो रही थी वो तुम्हारी सैचुरेट हो जाएगी,
ड्रेन करंट जो है वो सेचुरेट हो जाएगी, मीनिंग अब क्या होगा, जितनी भी आपने इंक्रीज कर ली थी ड्रेन करंट, ठीक है, अब वो उसी जगह पे कांस्टेंट हो जाएगी, फर्दर इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर किसी को ये डाउट आ रहा हो कि भाई चैनल तो रहा है इस एरिए में तो करंट कैसे फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे एक इस एरिए में एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो की वजह से, यहाँ पे इस एरिए में एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक कांस्टेंट करंट यहाँ पे फ्लो होती रही। फर्दर अब इस ड्रेन करंट पे VDS का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कितना भी इंक्रीज करते जाओ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीनिंग देखें ग्राफ के थ्रू तो ये क्या होगा, ऐसे कांस्टेंट। तो वो टर्मिनल, ये वाला पॉइंट जहां पे जस्ट ये चैनल ब्रेक हो रहा है, ठीक है, जहां पे जस्ट ये चैनल ब्रेक हो रहा है वो कौन सा है, VGD less than VT, और उससे पहले वाला क्या है, VGD greater than VT। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि VGD is equal to क्या लिख सकते हो, VGS, VG minus VS माइनस VT प्लस VS। हमने सिंपली क्या किया, VG माइनस VD में माइनस VS प्लस VS, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। अब इनको इनको साथ ले लो, ठीक, इनका माइनस साइन बाहर लो, ठीक है, जब माइनस साइन लोगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, VGS माइनस VDS। और VGS माइनस VDS इज इक्वल टू जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो, तो ये बेसिकली पॉइंट क्या है, ये एज है, वो एज है, अभी समझ में आएगा कि क्यों इसको हम एज बोल रहे हैं, कि वो एज है जहां से ये पॉइंट, जहां से इस, जिसके इस साइड पे ड्रेन करंट कांस्टेंट है और जिसके इस साइड पे तुम्हारा ड्रेन करंट वेरी कर रहा है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के साथ। अब अगर इसको थोड़ा सा और क्लियर करें तो क्या लिख सकते हो, VDS इज इक्वल टू जब VGS माइनस VT होगा, तो ये बेसिकली क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वो वैल्यू है जिससे अगर आपने जस्ट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज किया, मतलब ये बेसिकली क्या है, ये ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वो वैल्यू है जहां से आगे बढ़े तो करंट सैचुरेट हो जाएगी, और जिससे